लेक्चर क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को सेट हो रही हैं। तो पहले मैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए बेटा, मैं आपके पास कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, ठीक है, और वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में ना हमने कुछ डिफरेंस देखने होंगे। डिफरेंस मैं आपको कुछ पॉइंट्स के अंदर लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोसेस देखेंगे तो इट शुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये बेटा क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। इसी तरह जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह अगर आप किसी भी जगह पर, ठीक है, देख लें कि बेटा वहां पर अगर एडिशन हो रही है ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर कहीं पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम लोग नाम देंगे रिडक्शन। तो इसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा इनमें से कोई भी प्रोसेस होगा तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल इसके ऑपोजिट हम लोग देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर बेटा इनमें से कोई भी प्रोसेस होगा ना, तो इसे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कंसीडर करेंगे। तो याद रख लो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या आएगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर किसी जगह पर इन तीनों में से एक भी प्रोसेस होगा तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रिडक्शन, और इसी तरह अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस होगा तो इसे हम लोग ऑक्सीडेशन कंसीडर करेंगे। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कैसे होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इन रिएक्शंस की हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है। तो याद रखना बेटा, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ताकि हम लोग अपनी जो बॉडी में एनर्जी है जो हासिल कर रही है, जो एनर्जी है उसे हम लोग स्टोर कर रही है, वो बेटा इन्हीं रिएक्शंस की वजह से ही हो रही है। नंबर टू, इसके अलावा जो हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जैसे आपने कल पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करना, फिर इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो ये भी इन्हीं रिएक्शंस की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो हम लोग यहाँ पर अब बुक के ऊपर देखते हैं कि बुक की वर्डिंग आपको क्या कह रही है। तो स्टार्टिंग में अब वो आपसे कहता है कि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, जिसमें हमें कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए, हमें बार बार एनर्जी की जरूरत होती है। सो दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइजेस द एक्विजिशन। अब बेटा इस जो एनर्जी फ्लो है ना, ठीक है, इससे हमें एनर्जी मिल जाती है। एक्विजिशन का मतलब है एनर्जी को हासिल करना, एक्विजिशन का मतलब है एसेट, ठीक है, एनर्जी का स्टोर होना। तो एनर्जी का स्टोर होना, एनर्जी का हासिल होना, ये एक्विजिशन कहलाता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इस एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है तो डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो एनर्जी जो है इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो ये बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। एंड यूज ऑफ द एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, और फिर हम इस एनर्जी को इस्तेमाल भी करते हैं फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, लाइक ग्रोथ करना, इसके अलावा बेटा मूवमेंट करना, रिप्रोडक्शन करना, तो ये वो तमाम प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी को हासिल करना होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है, और फिर इस एनर्जी को यूज करना होता है फॉर मूवमेंट पर्पस, फॉर ग्रोथ पर्पस एंड फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस। ओके बेटे, सो दिस इज कि हमें जो है वो एनर्जी की बार बार जरूरत क्यों होती है, इसलिए वो कहता है कि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। हमें बहुत ज्यादा एक कांस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें बार बार मिलती रहनी चाहिए, और वो कौन से लाइफ प्रोसेसेस है जिनके लिए एनर्जी चाहिए, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन।
अब इन तमाम पर्पस के लिए हम सबसे पहले एनर्जी को हासिल करेंगे। एक्विजिशन का मतलब है हासिल करना या स्टोर करना, ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको हम चेंज करेंगे इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक पोटेंशियल टू काइनेटिक, और बेटा इसके बाद आप उसको यूज करेंगे फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। उम्मीद करूंगा कि इस पैराग्राफ में आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग दे देंगे व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या रिडॉक्सेशन का क्वेश्चन लिख लें कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। जी बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देखें रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस होगा, ठीक है, तो बेटा उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस होगा हम उसे रिडक्शन कहते हैं। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये तीनों प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन को शो करेंगे। इन तीनों में से जो भी प्रोसेस होगा इट शुड बी एज अ ऑक्सीडेशन, और इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस होगा इसे हम लोग रिडक्शन कंसिडर करेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर कहीं पर रिडक्शन होगी वहां ऑक्सीडेशन भी होगी, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पर लूज कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसको वहां पे गेन भी कर रहा होगा। इट्स मींस कि जहां पर ऑक्सीडेशन है वहां पर रिडक्शन भी होती है, ठीक है। तो जहां ऑक्सीडेशन है वहां पर रिडक्शन भी होगी। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल दे देता हूँ, वो एग्जाम्पल आप लोगों ने बेटा पढ़ी भी हुई है, दैट इज सोडियम क्लोराइड की। आप लोगों ने एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि बेटा ये सोडियम है। अब जारी बात है कि जब NaCl बनता है तो NaCl के अंदर आपने पढ़ा था कि देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे ट्रांसफर कर देती है, क्लोरीन के ऊपर, यानी कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इट इज ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन उसको गेन कर रहा था, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए तो हम उस रिएक्शन को नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन, कि बेटा वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन मसलन द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब आपकी बुक के ऊपर आते हैं, वो कहता है फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि हमें तमाम लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी है इसका डायरेक्ट सोर्स क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस की मदद से ही हमें डायरेक्ट जो है वो एनर्जी मिल पा रही होती है। अब वो कहता है कि जी रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना, तो रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। इससे बेटा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक्सचेंज होते हैं, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर ट्रांसफर होते हैं। सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन को हासिल करना रिडक्शन कहलाएगा। तो याद रखिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में वो रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं, एंड देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो उसे गेन कर रहा है इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, तो आपने इसके अंदर इस पैराग्राफ को लिखना होगा। इसके बाद जो नीचे ये पैराग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, मतलब नॉर्मल सा पैराग्राफ है। तो आप इस पर क्वेश्चन लिख लें हाउ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन लिख लें हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आप क्वेश्चन लिख लें हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आप क्वेश्चन लिख लें हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अच्छे सोर्स जो है ना वो एनर्जी का हो सकता है,
लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि व्हाट इज इट्स पोजीशन इन एटम। हल्की सी है अब देखें बेटा, यहाँ पर मैंने जो है ना वो दो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, ठीक है, सॉरी एटम बना दिए मैंने। अब इस एटम को लेट्स सपोज मैं ऑक्सीजन का एक एटम कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज एन ऑक्सीजन एटम। अब देखो बेटा, जब तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एटम के अंदर मौजूद है और सेम एटम के अंदर वो स्टेबल होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टेबल। यानी कि जब अगर हम इस एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एटम है ना बेटा, ये बेसिकली एक स्टेबल एटम है। वाई? और इसका इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होगा क्योंकि हर एटम जो है, अब देखो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये उसी एटम के अंदर है जहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा ये उस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है जहां पर इसको एनर्जी इसके मुताबिक मिल रही है, जिसकी वजह से हम इसे एक स्टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब हम लोग बात करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन से निकाल कर किसी दूसरे एटम पे किसी ऑर्बिट में डाल देता हूँ, जैसे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला और बेटा मैंने इस एटम के एक ऑर्बिट में डाल दिया। अब देखो बेटा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आएगा तो इस एटम के अंदर जो है वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट अ स्टेबल। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो एटम है ना, ये अब क्या है, इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो गया है। इसके अनस्टेबल होने की वजह ये है क्योंकि वो जिस ऑर्बिट में था वहाँ एनर्जी कुछ और थी, अब ये जिस ऑर्बिट में आया है वहां पर एनर्जी लेवल कुछ और है। तो जैसे कि आपने बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा था कि जब एटम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है ना, तो जब एक एटम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा उसका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, तो वो कोशिश करेगा अपने उसी ऑर्बिट में वापस आए जहाँ वो स्टेबल है। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में चला गया, दूसरे एटम के ऑर्बिट में चला गया, ये तो वहां पर स्टेबल ही नहीं है, ये तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है वहां पर। तो बेटा ऐसा इलेक्ट्रॉन जो वहां पर अनस्टेबल है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन अब कोशिश करेगा कि वो वापस उसी एटम में चला जाए, यानी कि अब इसकी कोशिश क्या होगी कि ये वापस उसी एटम में लौट जाए। तो जब ऐसा होगा कि भाई ये वापस जब भी उस अपने एटम में वापस जाएगा ना, तो ये ढेर सारी एनर्जी पैदा कर देगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अच्छा एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन क्या है, उनकी पोजिशन क्या है। तो अब हम बात करते हैं, तो ये देखें बेटा आपके पास वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन एक अच्छा एनर्जी का सोर्स हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम्स, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस एटम के अंदर उनकी क्या अरेंजमेंट है, उसकी क्या लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, वेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम। जैसा कि उसने एग्जाम्पल दिया कि लेट्स सपोज अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम में मौजूद है तो वो वहां पर स्टेबल होंगे क्योंकि वो स्टेबल एसोसिएशन बना लेते हैं, एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स, तो एक अच्छा एनर्जी का सोर्स नहीं होंगे। बट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एंड अटैच्ड टू सम अदर एटम, अब वो कहते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ड्रैग्ड अवे का मतलब है निकाल दें और किसी दूसरे एटम के साथ अटैच कर दें, ठीक है, जैसे उसने कहा टू अदर एटम, फॉर एग्जाम्पल कार्बन और हाइड्रोजन, दे मेक unstable association, तो ये वहाँ पर unstable association बना देगा। They try to move back to oxygen, और ये कोशिश करेंगे कि ये वापस oxygen के पास लौट जाएं। When this happens, the energy is released, और जब ये oxygen में वापस जाएंगे ना, तो ढेर सारी energy पैदा करेंगे, उस energy को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसीलिए तो जब electrons exchange होते हैं between atoms, तो बेटा उसके exchange होने से energy जो है वो भी transfer होती है, energy release होती है। इसीलिए वो कहता है कि electrons can be a good source of energy, but it depends upon its position in atom. तो यहाँ पर मैंने आपको एक question लिखवा दिया कि how electrons can be a good source of energy. तो बेटा यहाँ तक का question करना है किसी ने, इस paragraph पे question लिखेंगे आप, how redox reaction occurs in living organisms. ये इसका पूरा पैराग्राफ आंसर होगा, ठीक है, और इसके साथ आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर एक डायग्राम मिल जाएगी, वो डायग्राम आपको इसके साथ बनानी होगी, ठीक है बेटे। क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, हाउ रिडॉक्स रिएक्शंस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इसके साथ ये वाली डायग्राम आपको बनानी होगी, और सेम डायग्राम जो है वो आप रिडॉक्स रिएक्शन के साथ भी बना सकते हैं।
ठीक है, अगर वो शॉर्ट में आता है तो उसके साथ भी बना सकते हैं और इसके साथ भी बना सकते हैं। अब देखिए बेटा, आपने यहाँ पर देखना है कि हमारी बॉडी में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शंस होते कैसे हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो ऐसे नहीं होंगे, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना एक हाइड्रोजन एटम की हेल्प ली जाती है। ठीक है, अगर मैं अब हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम जो है इसमें, लेट्स सपोज ये मेरे पास अब एक हाइड्रोजन एटम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो है वो एक ही बेटा क्या होता है, ऑर्बिट, और उस एक ऑर्बिट के अंदर जो है वो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, और इसके जो सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको एक ही प्रोटॉन मिल जाता है। अब होता यह है कि बेटा इसके पास एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं किसी एक एटम को हाइड्रोजन डोनेट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं किसी एक एटम को हाइड्रोजन दे दूँ, तो एक्चुअली मैं उसको क्या दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, उसे हाइड्रोजन दे रहे हैं या एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बात तो एक ही है ना। ठीक है बेटे, यानी अगर आपने एक एटम को इलेक्ट्रॉन यानी एक एटम को हाइड्रोजन दे दिया, इसका मतलब आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ओके, इसी तरह अगर आप एक एटम के साथ अटैच हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें, तो दरअसल आपने उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है आपने उसको रिमूव करवा दिया। तो हमारी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो एक्चुअली इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, हम इसे ऑक्सीडेशन कह देंगे। और हाइड्रोजन को रिमूव करने का मतलब क्या है, बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो हाइड्रोजन था उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए तो जब वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड रिडक्शन, तो जब एक एटम हाइड्रोजन को ऐड करता है तो बेसिकली वो क्या ऐड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा होता है। तो दिस इज द वे के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व द लॉस एंड द गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वी नो दैट हाइड्रोजन एटम कंटेन द वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, इट मींस दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस अ हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअली लूजेस एन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एंड सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स हाइड्रोजन एटम्स इट एक्चुअली गेन्स एन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन answer of the question ki how redox reactions occurs in living organisms. ji bete hamara aaj ka topic yahi tak hai, yahan tak koi baat puchni hai kisi ne ya koi